हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे सामने खड़ी है महिंद्रा की तरफ से आने वाली बहुत ही रफ एंड टफ 7 सीटर एसयूवी महिंद्रा बोलेरो न्यू, और ये इसका N10 वेरिएंट है जिसकी प्राइस पड़ने वाली है 13.37 लाख ऑन रोड। ये कार आपको डीजल में देखने को मिल जाएगी। टोटल 5 कलर्स में ये अवेलेबल है। ये आपका रॉकी बीच कलर है, बाकी व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और रेड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इंजन की बात करें तो 1493 सीसी का एम हॉक डीजल टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिलेगा, जो 100 BHP की पावर, 260 Nm का टॉर्क देगा। साथ ही साथ ये कपल्ड है आपका 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वेरियंट N10 का कम्प्लीट वॉक अराउंड करेंगे और जानेंगे कि 13.5 लाख में ये आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है दोस्तों। और शुरुआत करेंगे इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। बहुत ही मस्कुलर और ब्रॉड और काफी चौड़ी लगती है कार। लगभग इसकी 1795 mm की चौड़ाई है। फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको क्रोम का यूज देखने को मिलेगा, मैट ब्लैक फिनिश में है। रेडिएटर ग्रिल भी आपकी मैट ब्लैक फिनिश में है। नीचे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देख पाएंगे आप। और ये रही आपकी कंप्लीट अंडरबॉडी। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये कार आपको ऑफर करती है, और नीचे से भी अच्छे खासी तरीके से इसको ढक रखा है, सेफ रहता है आपका इंजन बेबी। ठीक है, आगे आप फ्रंट में ट्विन पीक एरो वाला लोगो देख पाएंगे। लाइट सेटअप की बात करी जाए तो आपको हैलोजन बेस्ड रिफ्लेक्टर बेस्ड सेटअप देखने को मिलता है, साथ में DRLs है। और ये रहा नीचे आपका फॉग लैम्प, जो कि हैलोजन में आपको ऑफर किया जाता है। कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको यहाँ ऑफर नहीं किए जाते हैं दोस्तों। बोनट देख लीजिए, काफ़ी ऊंचा बोनट है इस कार का। ठीक है, ऊंचाई की बात करिए तो 1817 mm की इसकी पूरी ऊंचाई है। ये रहे आपके वाइपर्स आपका। देखो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलता है। और सामने देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आपका फ्रंट लुक देखने को आएगा। ये आपके वॉशर फ्लूड की पोजीशन है। और ये रही आपकी कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं साइड में। साइड में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये जो ब्लैक पट्टी दिख रही है ना, जो शुरू से लेकर लास्ट तक गई है, साथ ही में आपको क्रीचेस भी देखेंगे, इस कार को काफ़ी मस्कुलर लुक देते हैं। नीचे आप देखेंगे साइड क्लैडिंग में आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। डुअल कलर में आपको ORVMs ऑफर किए जाते हैं, मैनुअल ORVMs है। साइड फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। आपके मैट ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स हैं। इधर को कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने को मिलेगा। ये है आपका फ्यूल फिलर कैप, डीजल भर सकते हैं, टैंक कैपेसिटी है 50 लीटर की, और यहीं से आप यूरिया भी फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ढक्कन देख रहे हो कितना बड़ा है, पूरे हाथ के साइज का तो ढक्कन दे रखा है। ये हो गई आपकी कंप्लीट साइड प्रोफाइल। क्वार्टर पैनल आप देख लीजिए, काफ़ी बड़ा है। थर्ड रो के लिए भी अच्छा खासा एयर ही मिलता है। इसके एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, देखो अगर आपको अंदर से गर्मी या सफोकेशन फील हो रहा है तो आप ऐसे इसको खोल के थोड़ा सा बाहर भी कर सकते हैं और एयर ही फील होगा आपको। फिलहाल इसे कर देते हैं बंद, अभी भी साइड प्रोफाइल भैया रह गई है। ठीक है, ये रही आपकी साइड प्रोफाइल। आप विंडो लाइन पर देखो, आपको कहीं पर भी क्रोम का यूज़ देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ मैट ब्लैक में है। विंडोज़ कितने बड़े बड़े हैं। बी पिलर आपका मैट ब्लैक में है। क्वार्टर पैनल भी काफ़ी बड़ा है। कोई भी रूफ रेल आपको ऑफर नहीं करी जाती है। एंटीना आपका नॉर्मल तार वाला इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। बात करते हैं फ्रंट टायर की, तो व्हील आर्चेस थोड़े से बॉक्सी डिजाइन में है। गुडियर के टायर्स आपको देखने को मिलेंगे, सिल्वर कलर के अलॉयज हैं। फ्रंट में डिस्क है, टायर का साइज है 215/75 R15। ये रहा आपका फ्रंट सस्पेंशन, ये देख सकते हैं फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलेगा, और यहीं पर सामने आपको मडगार्ड भी ऑफर किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं रियर टायर्स की, तो आपको फ्रंट में डिस्क था और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं, और ये रहा आपका रियर सस्पेंशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अब कंप्लीट साइड प्रोफाइल। बॉक्सी डिजाइन में देखने को मिल जाती है। काफी सारे कट्स और क्रीचेस आपको इस कार में देखने को मिलेंगे दोस्तों। बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह के रियर प्रोफाइल आपको ऑफर करी जाती है गाइस। स्पेयर व्हील का कवर देख रहे हो आप, एक्स टाइप स्पेयर व्हील कवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसमें भी ट्विन एरो लोगो है। स्पेयर व्हील का साइज भी आपका सेम है, 215/75 R15। ये आपका लेकिन स्टील रिम्स में ऑफर किया जाता है। व्हील कवर काफ़ी अच्छा लगता है आपको। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई स्टॉप माउंट लैम्प देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा सा आपको पतले से स्पॉयलर्स ऑफर किए जाते हैं दोस्तों। गाड़ी की हाइट बहुत ऊंची है, पीछे से पता चलता है। नियो का लोगो, आपका मैट ब्लैक फिनिश में पीछे का हैंडल। ये रहा आपका रिफ्लेक्टर। रियर बम्पर आपका मैट ब्लैक में है। दो रिक्वेस्ट सेंसर आपको साथ में देखने को मिल जाते हैं। पूरा टेल लाइट सेटअप आप देख लीजिए, हैलोजन में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़े बड़े चौड़े चौड़े टेल लाइट्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी अंडरबॉडी, कुछ इस तरह से आपकी अंडरबॉडी। अब ऊंचाई देख रहे हो इस कार की कितनी ऊंची है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का ये आपको ऑफर करती है। एक बार बूट खोल लिया जाए, बूट खोलेंगे तो देखिए दरवाज़ा कुछ इस तरह से इतना वाइड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप हैंडल देख पाएंगे, मैट ब्लैक फिनिश में लॉक अनलॉक वाला सिस्टम देख पाएंगे। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक भी ऑफर किया जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है, पीछे अगर बच्चा बैठ रहा है तो काम आएगा। डिफॉगर लाइंस आप देख सकते हैं, देखो डिफॉगर लाइंस में कोई भी सोल्डरिंग वगैरह आपको एक्सपोज नहीं दिखेगी। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो ये रहा आपका बूट स्पेस। 384 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलता है।
पीछे दो सीट्स हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे खड़े कर लो, चाहे तो आप उसको ऐसे बैठा लो। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा और पीछे से देखेंगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। सेकेंड रो सीट्स आपको बेंच फोल्ड में देखने को मिलेंगी, कोई भी 60-40 स्प्लिट नहीं है। और ये रहा आपका कंप्लीट रियर प्रोफाइल। दरवाजा खुलने के बाद दरवाजा काफी वाइड ओपन हो जाता है, आराम से आप एक्सेस कर पाएंगे बूट। लेकिन अगर ऐसा पार्किंग स्लॉट है जहाँ पीछे जगह कम है ना, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। ये रही आपकी N10 की बैजिंग, अब समय है अंदर चलने का। ठीक है, यहाँ पे भी कोई रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर नहीं किया जाता है। दरवाजे का कलर देख लीजिए आप, जो कलर समझना है उसे वो कलर समझ लो, बीच कह लो, ब्राउन कह लो। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे हार्ड देखने को मिलेगा, कोई भी सॉफ्ट पोर्शन नहीं है। बॉटल होल्डर बहुत छोटा सा है, अम्ब्रेला होल्डर तो है ही नहीं। स्पीकर की प्लेसमेंट आप यहाँ देख पाएंगे, टोटल 6 स्पीकर, 2 ट्विटर मिलते हैं। ये रहा सिल्वर एसेंट में हैंडल, ये आपका मैट ब्लैक फिनिश में है। और दरवाजा आप देखो, विंडो कितनी बड़ी है, काफ़ी चौड़ी चौड़ी विंडो है इसमें। ड्राइवर सीट की बात करें तो आपको ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ऑफर करी जाती है। फैब्रिक अपोस्टी है लेकिन सॉफ्ट है। ठीक है, आपका कुछ इस तरह का ब्राउनिश कलर का ये इंटीरियर देखने को मिलेगा। ये रहा आपका एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच। डेड पेडल एकदम गायब कर दिया, डेड पेडल है ही नहीं भाई यहाँ पे। ये रहा इसका फ्यूज बॉक्स, ये आपका ORVM के कंट्रोल यहाँ ऑफर किए जाते हैं। हेडलाइट लेवलर इको मोड के लिए, ये फॉगर हो गया आपका, ये ESS का, आपके ये AC के वेंट्स हो गए। कुछ इस तरह का इंटीरियर है। चलिए अब अंदर बैठ के अंदर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं। ये रही आपकी मैनुअल की और यहाँ से आप इसको इंसर्ट करके क्लस्टर ऑन कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह का एनालॉग क्लस्टर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मस्त सा बोलेरो नियो लिखा हुआ आ रहा है। ओडोमीटर वगैरह सब कुछ आपका व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा। ये रहा आपका स्टेयरिंग, राउंड स्टेयरिंग है, कोई भी लेदर रैप्ड आपको यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता है। ठीक है, बात करें बीच में लोगो दिया है, एयरबैग की बैजिंग है, टोटल 2 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। इधर सारे आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल, फोन रिसीव करने के लिए, कट करने के लिए, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इधर देखेंगे तो आपको क्रूज कंट्रोल ऑफर किया जाता है। ये रहे आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल, ऑटोमेटिक नहीं है। ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल, जो भी ऑटोमेटिक नहीं है दोस्तों। बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो इसमें आपको टिल्ट स्टेयरिंग देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक सपोर्ट ऑफर नहीं किया जाता है गाइज। ड्राइवर साइड में कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। आपके केबिन लैंप हेलोजन में देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपके मैनुअल IRVMs। को पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये रहा आपके माइक्रोफोन की प्लेसमेंट। ये रहा आपका कंप्लीट डैशबोर्ड, कुछ इस तरह से आपका ब्लैक एंड बीच कलर बोल सकते हैं उसको, काफ़ी अच्छा लग रहा है। AC के वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सारी कनेक्टिविटी आपको ऑफर करी जाती है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो एप्पर कार पे इसमें आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ब्लूटूथ है, ऑक्स है, देख सकते हो USB है, रेडियो वेडियो सब है। ये रहा आपका हैजार्ड की पोजीशन। मैनुअल AC यहाँ पे ऑफर किया जाता है, मैनुअली आपको यहाँ से ऑपरेट करना पड़ेगा दोस्तों। AC में एक आपको इको AC का मोड भी दिया हुआ है, मतलब फ्यूल सेविंग के लिए। 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक USB पोर्ट है आपको चार्जिंग के लिए, एक ऑक्स पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस, 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आपको ऑफर किया जाता है, मैनुअल हैंडब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। ये देख रहे हो पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं सेंटर कंसोल में। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ देखने को मिलेगा, कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं ऑफर किया जाता है। देख लो एक बार, सीट भी नज़दीक से देख लो, बीच कलर की सीट्स हैं, कुशनड है भैया, लेदर से अच्छी होती हैं सीट लंबी जर्नी के लिए। ग्लव बॉक्स आपको इतना सा छोटू सा ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है। बाकी आप देख सकते हो डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ए पिलर पे देखोगे ना, यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब चला जाए सेकंड रो में और सेकंड रो के सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं। सेकंड रो का दरवाजा आप देख सकते हो सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा सा सिल्वर का यूज देखने को मिलेगा। बॉटल होल्डर, पावर विंडो के कंट्रोल्स, स्पीकर की प्लेसमेंट सब कुछ ऑफर किया जाता है। ये इधर से देखेंगे तो इंटीरियर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और ये रहा आपके साइड स्टेप, साइड स्टेप की बहुत जरूरत पड़ेगी, पता नहीं क्यों कार काफ़ी ऊंची लगती है, फील होती है। एक बार जब आप अंदर बैठ जाएंगे तो आप सामने देखेंगे फ्रंट की दोनों सीट्स पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। ये रहा आपका फ्रंट का डैशबोर्ड, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। कोई भी AC का वेंट नहीं है, कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको हम्प ऑफर किया जाता है। सीट्स की कम्फर्ट की बात करें तो थाई रूम में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेग रूम और नी रूम में कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है दोस्तों। फ्रंट सीट में आपको पाउच देखने को मिल जाएंगे मैगजीन वगैरह रखने के लिए, दोनों तरफ आपको ऑफर किए जाते हैं। ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट में आपको देखो दोनों को सेपरेट आर्मरेस्ट ऑफर किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रियर सीट्स की, तो कुछ इस तरह का फैब्रिक है,
बेंच फोल्ड सीट्स आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। सेंटर में आपका आर्मरेस्ट तो है लेकिन इसमें कप होल्डर नहीं दिया गया है। दो पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, वो भी एडजस्टेबल है। दो पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट ऑफर करी जाती है और साथ ही साथ आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी इसमें ऑफर किया जाता है दोस्तों। केबिन लैंप आपका सेकंड और थर्ड रो के लिए सेम है हैलोजन में। और ये रहा आपका थर्ड रो, इसके बारे में क्या ही बताना, इसमें आपको दो साइड की सीट्स देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आपकी बोलेरो नियो का N10 वाला वेरियंट 13.37 लाख ऑन रोड मिलता है। दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि 13.5 लाख में ये SUV कंसिडर करने लायक है कि नहीं है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।